हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद लोग उनकी कही हुई बातें, उनके बताए हुए कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। उनका साइंस और तारों में बहुत इंटरेस्ट था। घर पर टेलीस्कोप भी था, उससे शनि ग्रह पर बने रिंग को वो देखा करते थे। चांद तारों की एक तस्वीर सुशांत ने अपने ट्विटर पर एज कवर फोटो भी लगाई हुई थी। ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है स्टारी नाइट। इस पेंटिंग को बनाने वाला भी महज 37 साल में इस दुनिया को अलविदा कह गया था। वो कलाकार जिसका नाम था वैन गो। साल 1853 के जनवरी में जन्मा हुआ विंसेंट वैन गो का नेदरलैंड्स में घर परिवार अच्छा खासा था। इन्होंने आर्ट डीलर के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन मन न रमा। पढ़ने को मिलता है कि उसी समय विंसेंट वैन गो का डिप्रेशन से सामना हुआ। लंदन चले गए, धर्म में मन रमाने की कोशिश की, मिशनरी बन गए, लेकिन तब भी मानसिक स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। इससे जूझते हुए उन्होंने पेंटिंग्स करना शुरू किया। साल 1881 में अपने माता पिता के पास लौटे, फिर 1886 में फ्रांस चले गए। पेंटिंग तो करने लगे, लेकिन इससे कमाई नहीं होती थी। अपने छोटे भाई थियो पर निर्भर थे। जिस समय विंसेंट पेंटिंग्स बना रहे थे, वो इंप्रेशनिज्म का आखिरी दौर था। इंप्रेशनिज्म ऐसी पेंटिंग विधा थी जिसमें छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स की सहायता से रोशनी के अलग अलग पहलुओं को दिखाया जाता था। जैसे समंदर के उस छोर पर अगर सूरज डूब रहा हो तो उससे छिटकते हुए लाल और नारंगी रंग नीले समंदर पर कैसे लगेंगे, किस तरह घुलेंगे नीलेपन के साथ, किस तरह खेत में उगते हुए सूरज की रोशनी को लौटाएगी उस खेत में चरती हुई गाय की घंटी। विंसेंट और उनके साथ के कुछ और आर्टिस्ट इस तरीके को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस तकनीक के परे जाने की बात की। अपनी पेंटिंग्स में मोटे मोटे ब्रश स्ट्रोक्स इस्तेमाल किए, ढेर सारा पेंट लगाकर चटक रंग कैनवस पर फैलाते हुए इस तरीके को पोस्ट इंप्रेशनिज्म कहा गया और विंसेंट इस कला के जाने माने नाम बन गए। लेकिन अपनी मौत के बाद रह रहकर विंसेंट वैन गो को दौरे पड़ते थे। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने खुद को शराब के नशे में डुबा लिया। अपने एक दोस्त से बहस के दौरान उन्होंने रेजर से अपना बायां कान काट लिया था। उनके आसपास के लोग उन्हें पागल समझते थे। उन्हें एक फेलियर के तौर पर देखा जाता था, एक ऐसा बॉडम जिसकी कला का किसी को मोल नहीं। ऐसे ही हालात से जूझते हुए विंसेंट ने एक दिन अपने आप को गोली मार ली सीने में। 2 दिन तक अस्पताल में जूझने के बाद 29 जुलाई 1890 के दिन उनकी मौत हो गई। विंसेंट की मौत के बाद लोगों ने उनकी कला को पहचाना, उनकी पेंटिंग्स की कदर होने शुरू हो गई, प्रदर्शनियों में दिखाई जाने लगी, बिक्री के समय लोगों में होड़ लगनी शुरू हो गई, लोगों का नज़रिया बदल गया, लोग उन्हें जीनियस कहने लगे। विंसेंट ने अपने जीवन में तकरीबन 2100 पेंटिंग्स बनाई। आज उनके नाम पर म्यूजियम है एम्स्टरडैम में, विंसेंट वैन गो म्यूजियम। उन पर फिल्म बन चुकी है। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स दुनिया की सबसे बेशकीमती पेंटिंग्स में से एक मानी जाती हैं। स्टारी नाइट उनमें से एक है। विंसेंट ने ये पेंटिंग जून 1889 में बनाई थी, जब वो अपनी मानसिक सेहत की देखभाल के लिए एक असाइलम में भर्ती हुए थे। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने अल सुबह की ये तस्वीर बनाई, जिसमें नीचे की तरफ एक गांव दिखाई देता है। इस पेंटिंग के नाम से ही एक गाना भी है, स्टारी स्टारी नाइट, जिसमें विंसेंट को श्रद्धांजलि दी गई है। ये खबर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में तो ज़रूर कहें।